बहुत रश बढ़ गया आज तो, बसे ही बसे आए जा रही है ना। गार्ड ने बोला कि कैमरा नीचे करके लेके जाना, ऐसी कौन सी पूरी पिक्चर रिलीव हो जाएगी। आज मैंने बनाई है आलू गाजर मटर और पालक की साग बनाओ। और अभी सुबह सुबह रेणु मैडम ने वीडियो देखा होगा बच्चों का, एक तो लेट वीडियो देखती है, ऊपर से पता क्या कह रही है, साक्षी वो मोमोज में से गरम गरम धुआं निकल रहा था ना, तो मेरा योगा करते करते देख रही थी, मतलब सूर्य नमस्कार कर रही होगी, करते करते देख रही थी, तो कह रही कि मेरा मन करा है और तेरे को भी चलना पड़ेगा। मैंने कहा मैं तो मोमोज खाऊंगी नहीं, कह रही नहीं नहीं खाने पड़ेंगे, तो मैं तो खाऊंगी नहीं सच में। कल मैंने बिना कहे इसकी अलमारी साफ़ की, क्योंकि मेरे को जैसा पता आपको लेटने के लिए मना किया है, तो इतने इतने कपड़े मिले मुझे, मेरे जितने हथेली का वो है ना उतना ही, उतने इतना ज्यादा मत फेंको दिखा दे, ऐसे कपड़े खत्म होते ही, शुरू होते ही खत्म हो जाते हैं। दो तीन टी शर्ट है तेरे पास, एक हमारे रमेश भाई साहब भी ऐसे भेज देते हैं, और एक ये तो मेरे पास सारे तो ऐसे नहीं है, सारे नहीं है, लेकिन तुझे वो पहनने का बड़ा शौक है। हाँ है। इतनी इतनी कतरन होती थी पहले, वो पोछे के काम में ली जाती थी, अभी हम काटते थे उनको, तो वो उस टाइम पे लगते भी थे वो। अच्छा लड़कियां ज्यादा बिगड़ रही हैं, जैसे ये आप भी, आप क्या हो, हम तो बहुत उसमें रहे हैं बेटा, अब तो मम्मी हो गई मैं, अब आजकल की लड़कियां कह रही हूँ मैं, आजकल की लड़कियां आउट ऑफ कंट्रोल। ये मोमोज का वीडियो देख के इसके इतने वो हो रहे हैं, अगर उसमें से धुआं निकल रहा था मोमोज में से, अगर ऐसे दोस्त हो तो दुश्मनों की क्या कमी है। हाँ तो चलो तेरे, तुझे ये अब हमने इनको मना कर रखा है ना ग्रुप में कि कोई ऐसा खाने की बातें नहीं करेगा। दीदी ने लिखा चाप बर्गर, इसको तो गलती से बोल दो, इसको तो सबसे ये पता है सबको क्या बोलती है, मेरे से तो कुछ का ही मत करो, और आज ये एक्टिव होगी ये बताओ। अरे सच में उसको देखती ना, तुमने देखा नहीं वीडियो उसमें ना, मुझे तो वो राजस्थानी की थाली है कैसी लग रही, अच्छी नहीं थी। अरे नहीं, एक एक प्लेट ला रहा था उसका, अच्छी थी उसकी, अच्छी थी। तो चल देख के आ जाते हैं उधर, है उसकी खुशबू मेरे नाक तक पहुंच गई। नहीं राजस्थानी की अच्छी थी, अच्छी थाली थी। एक थाली में दो जने खा सकते हैं? हाँ खा सकते हैं। हाथ वाली रोटी भी थी वैसी वाली? हाँ तो एक तो नान था, वो छोटा नान था, वो लिखा छोटा नान था, वो इतने बड़े बड़े नान आए थे एक। हाँ। और दो रोटियां थी, दो रोटियां थी। तो क्या करें, राजस्थानी चले दे। ये बुक्कड़ वक्कड़ तो तैयार है इन्हें। आज मैंने इससे पैसे निकाले हैं, मैंने दिए 12,000 रुपये और जमा करा दिए, ये बोलो अपने पैसे जोड़ के रखती थी ये, पर आज अच्छा काम कर दिया इसने मेरा। उसका पालक भी बड़ा हो गया है, एक बार का तो मैं दीदी को दिया था मैंने, जिसमें जितना पानी डालो ना, जितनी धूप लगेगी उतना बड़ा होता है, और हमने ना अभी वहाँ जाने का कैंसिल कर दिया है, क्योंकि ना कल हमारी रिंकू जी फिर वो नहीं आएगी, बीच बीच में उसको हर उसके हस्बैंड की कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो हॉस्पिटल दिखा के आना पड़ रहा है, तो हमने सोचा है कि कल जाएंगे हम दिन में। अब दिया को तो हो गई है, अब उसको ना फिर वही हथियार उठाना पड़ता है, वो भाई साहब से मेरी बात हुई थी, तो घर का बा काली बनना पड़ता है, जब ऐसे बकासुर जैसे बच्चे होंगे तो काली बनना पड़ेगा। मतलब अभी खा के आए हैं, हैं, और फिर उसको लग गई है, तो इसीलिए कभी कभी हथियार उठाने ज़रूरी होता है। और आप मेरे कपड़ों से आइडिया लगा सकते हैं, वैसे हवा थोड़ी सी ठंडी है, इतनी ठंडी भी नहीं है, पर हाँ आपको कॉटन के कपड़े मतलब सुहा रहे हैं, जबकि होली तक ठंड रहती थी, और अब होली तक लग रहा है कि अच्छी खासी गर्मी हो जाएगी, और ये कॉटन के सूट जो है ना गर्मियों में पहनते थे। मैं तो आज बाहर के चक्कर में खाना खाने में लेट हो गई थी, 5 बजे खा लेती हूँ, 5:30 बजे में फाइनली दिया मान गई है। दही है, मीठी दही अच्छी लगती है इसको, और मैंने आज पालक पनीर बनाया था, फिर हमने सोचा वेस्ट जाएगा भैया, खाना वेस्ट नहीं जाना चाहिए ना, अब हम मेरे को रेणु को कल कहीं जाना है तो वीडियो नहीं बनाएंगे हम, आते वक्त कुछ लेते हुए आएंगे कपड़े चेंज करके, क्योंकि शाम को ठंड जाती है ना, और उसकी सलवार में ना पैंट की में उसमें वो नहीं है, जो पैंट है उसमें पॉकेट नहीं है, क्या बोल रही हूँ, तो इसीलिए रात को कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, ठीक है ना। क्या है, क्या है, क्या है, इसका नाम है पॉपकॉर्न, इसका नाम है पॉपकॉर्न, इसका नाम पॉपकॉर्न है, वो मोटे वाला बहुत मारता है इसको। रेनू को टाइम लगेगा, रिंकू जी अभी खाना बना रही है, तो
जब वो खाना बनाएगी तब वो खा के फिर आएगी, इसलिए मैं निकल जाती हूँ, फिर बाद में मिल लेंगे। मैं जाऊँगी स्वामी नारायण के वहाँ पे, कुछ वहाँ पे ना प्रोग्राम चल रहा है। आज हमारे ना भैया आए थे जो रेंट एग्रीमेंट साइन करा के, नाम नहीं बताऊँगी फिर मैं, सब उनके पीछे पड़ जाते हैं, पड़ जाएंगे। तो उनसे हमारे चैनल के, आप सोचिए, दो लोगों ने कॉन्टेक्ट किया। अब बात सुनिए, रेंट कहाँ से बढ़ रहा है हमारा, अब वो उन्हीं को देना पड़ेगा एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ रेंट। दो लोगों ने क्या, टू बेडरूम के, वो बोल रहे हैं 35,000 तक दे देंगे हम। अबे काय को भी मरवा रहे हो, रूम खाली नहीं है, फ्लैट खाली नहीं है, और 35,000 तक किसी को निकाल भी नहीं सकते ऐसे, क्यों हमारी मारामारी कर रहे हो। अब है देखो हमारा 3,000 रेंट बढ़ गया, फिर मैं आप जिन्होंने बढ़वाया उन्हीं की वजह से लेना पड़ेगा मुझे अब, कि भैया दो हमें 3,000 रुपये एक्स्ट्रा। वो 35,000, बहुत रश बढ़ गया आज तो, बसें आए जा रही है। बस मैंने बोला था ना शांति से, पहले जो शोर आने वाला शोर है वो देख लें, कोई बात नहीं, हमें आदत पड़ गई है। बस हम आपको लोगों को दिखा देंगे, भैया जाम लग जाएंगे, सैटरडे संडे तो आना ही मत, आ जाओ तो आ जाओ, मर्जी आपकी, अभी तो इतना नहीं है, पर हाँ बसें आनी शुरू हुई, आज पूरा ट्रैफिक है। ये कबड्डी हो रही है और इधर सीनियर की खो खो खेल रहे हैं और इधर जूनियर खेल रहे हैं और उधर क्रिकेट खेला जा रहा है, फुटबॉल भी उस साइड खेल रहे हैं। कोई मुझसे पूछ रहा था कि यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड कहाँ है, तो ये पूर्ण ये जो जहाँ पे मेले लगते हैं बाद में, पता नहीं पीछे क्या मेला लगेगा, बसें भी खड़ी हैं और बाद में इसमें क्योंकि शूटिंग हो रही है शायद, उनकी बसें खड़ी हैं, ये शूटिंग बताई थी किसी ने, तो यहाँ क्रिकेट ग्राउंड है, अब यहाँ की क्रिकेट खेल सकते हैं। देख लो शमशान में भी भीड़ है, मतलब इतनी भीड़ है कि शमशान में भी बैठे हैं लोग, देखो ये कपल बैठे रहते हैं, ये बड़ी गंदी बात है, शमशान को तो छोड़ दो। कोई मेरे से कह रहे थे आप उसको वैलेंटाइन डे पे, मैंने कहा वैलेंटाइन डे पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, लेकिन ऋषिकेश में गंगा घाट के किनारे बाहर कर लो, कहीं और दूर दूसरी, मतलब हमने ये भी बोला था कि रोड के उस पार कर लो, गंगा जी के किनारे ऐसे तो चलते वो अच्छा नहीं लगता ये सब चीज़ें ना। अब शमशान में बैठे उनको पता ही नहीं है, पहले शमशान में नहीं बैठना चाहिए, और सामने चिताएं जल रही हैं, फिर उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वहाँ एकांत है इसलिए बैठे हुए हैं। ये देखो अरे योगा वीक भी आने वाला है शायद यहाँ पे, इसीलिए भी रश है, ये यहाँ शुरू हो चुका है। हाँ ये मूवी की शूटिंग चल रही है, मूवी में तो बाद में आएगी, पहले हमारी वीडियो में देख लेना आप और पहचान जाना कि ये तो साक्षी की वीडियो में देखा था। ये फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे बिल्कुल रियल फूल हो, फेंक देते होंगे बाद में, एकदम ओरिजिनल लग रहे हैं और अच्छे भी लग रहे हैं, प्लास्टिक के हैं। जितनी भी वो बनी है ना वीडियो मूवी जो बनी है वो ऋषिकेश में ही बनी है, अच्छी है। अब मेरे को ना गार्ड ने बोला कि कैमरा नीचे करके लेके जाना, ये कोई बात है, हम तो यहाँ घूमते हैं आज पहली बार कोई जा रहे हैं, ऐसी कौन सी पूरी पिक्चर रिलीव हो जाएगी, दुनिया भर की इनकी रील लीक हो गई है, कहाँ से बैठ के वो बनाते हैं शूटिंग का, वो देख लो कितने बड़े बड़े वो बनते हैं इनके, ये उनके कुंड बन रहे हैं, हवन कुंड का, राजकुमार राव हीरो है इसके अंदर। तो ये देखो सब देखने आए हैं, कैमरे के लिए बना कर रहे हैं, कौन सी इनकी शूटिंग समझ आती है। ये देखिए सच सच के खड़े हैं, सब फोन से बना रहे हैं, मैंने भी फोन से एक क्लिप ले ली थी। फोन से कर सकते हैं आप, ये देखो इनके रात की लाइट का शो, पागल है। इनकी देखो कितनी बड़ी बड़ी लाइटें लगी हुई हैं, वैसे बहुत भीड़ हो रखी है, वापस चलते हैं। मैं तो इधर आई थी, मैंने कहा रात को आरती होती है, हमने ना पीछे वॉक कर रहे थे उधर, तो उधर तब लगी, फिर पता लगा कि ये उस दिन हम बोल रहे थे कि कुछ सामान जा रहा है शायद योगा वीक के लिए, लेकिन अभी ये फिल्म की शूटिंग चल रही है। और ये देखो सारा सामान ऐसे ही सेट इनका पड़ा हुआ है, घड़े वगैरह सब, कॉमेडी मूवी होने वाली है मुझे लग रहा है। ये इनकी लेडीज है सारी, है ये कैमरे पे आएंगी अब। ये गढ़वाल की सारी लेडीज है ना, ये सज के जा रही हैं अभी, और मैंने तभी मैं कह रही हूँ क्यों सज रही हैं, इनको मूवी में लिया जाएगा। यहाँ स्वामी नारायण की आरती हो रही है, आगे भी ढोल बज रहे हैं भैया,
मैंने बोले थोड़ी सी गर्मी आते ही यहाँ शुरू हो जाता है। ये ढोल बजा रहे हैं जिसका थिरकने का मन कर रहा है, थिरक लो। हमें तो यहाँ अच्छा लग रहा है खाली खाली। ओए होए ढोल का तो अलग ही वो है, एक चाम है, जिसको ना होता हो वो भी नाच लेते हैं। शूटिंग के लिए वहां सामने भी लाइट लगाई गई है ताकि इधर लाइट आए। देखो कितना वो करनी पड़ती है, इतनी लाइटिंग करनी पड़ती है जब जाके इतनी रोशनी होती है। ध्यान करने वाले ही बैठे हैं, देखो इनको डिस्टरबेंस होती है ऐसी चीजों से ना। आरती की तो कोई बात नहीं, गंगा माघ में सबका स्वागत है। किसी के लिए कोई मनाही नहीं है। देखो ये प्राणायाम कर रहे हैं, कोई स्नान कर रहा है रात के टाइम, तो बाबा जी ये खेल रहे हैं बंदर, ये बंदर खेल रहे हैं देखो, है ना। इधर आके ऐसा लगता है कि शहर की भागदौड़ से दूर आ गए, और यहाँ गंगा माँ का, उधर ढोल बज रहे थे, आरती की आवाज़ आ रही है, यहाँ गंगा माँ के संगीत की आवाज़ आ रही है। ये देखो अपनी दादी के साथ आया है, पहले बच्चे ऐसे ही सीखते थे, पहले बच्चे दादी नानी के साथ, दादी के घर, दादी के पास तो रहते थे, नानी घर जाते थे, तो दोनों तरफ सीखने का मौका मिलता था, अब कहाँ मिलता है ऐसे। कौन कहता है कि ऋषिकेश में अलग जगह नहीं ढूंढी जा सकती है, वैसे जल का प्रभाव बढ़ रहा है ये देखो, लेकिन ऊपर से जा रही हूँ, आगे भी सीढ़ियाँ हैं और बिल्कुल अकेले में आ गई अंधेरे में। यहाँ माँ गंगा और मेरे सिवा कोई नहीं। ओह डोगी देखो, वो देखो ओ कैसे जल में अपने पी रहा है और खेल रहा है, पीछे से ही पी सकता पर उसको अंदर खड़े होके पीना है। आप आवाज सुनिए, कौन कहता है कि जगह नहीं मिल सकती है। अरे कितनी भीड़ भाड़ में से निकाल के आपको जगह में लेके आई हूँ मैं, देखो ये देखिए है ना आनंद। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, देखो उधर भी लोग बैठे हैं, उधर भी है ना एक घाट, ऊपर ऊपर चढ़ के इधर आ गए, हालांकि वो हिल रहा है पूरा। उधर ना लोग बैठे ध्यान साधना कर रहे थे, तो वहाँ आवाज़ अच्छी नहीं लगती है, उस वाली सीढ़ी से ऊपर चढ़ जाऊँगी। क्या बात है, हैं क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे। ये चिताएँ जलती है ना तो हड्डियाँ होती हैं, इनका भी भोजन हो जाता है। इधर पक्षी की आवाज़ आ रही है पीछे से, कितना सुंदर दृश्य लग रहा है ना, मैं बता नहीं सकती, उसको मेरे साथ साथ आप भी फील कर सकते हो, हैं। और उधर तो बहुत ज़्यादा था जहाँ पे बैठे हुए थे ना ऋषि मुनि बैठ के, क्योंकि गंगा जी की आवाज़ और उनकी जो मधुर संगीत है ना उसका, जल का, वो अलग ही आनंद दे रहा था सच में। 6000 से ज़्यादा स्टेप हो गए हैं। अगर हम जैसे सुबह वॉक करने नहीं जा पाते ना, जैसे पेपर था तो नहीं गए, या फिर तो पता क्या होता है, 10-15 हज़ार स्टेप डेली करने होते हैं, शाम को आके वो हो जाते हैं। मतलब अपना स्वयं का ध्यान रख लेते हैं। दयानंद आश्रम की अंदर की ले नहीं सकते। ये दयानंद आश्रम की आरती हो रही है, वो अभी मंदिर खुला हुआ था ना तो मैंने फोन से ही छोटी सी क्लिप भोलेनाथ की उनकी भी ले ली। ये भी ठीक है, अंदर आश्रम सामने है तो वहीं बैठ के अपने शांति से और आरती कर ली, ज़्यादा शोर शराबा नहीं किया। ये सब यहाँ की लेडीज सच सच के जा रही हैं, इनको बुलाया होगा, ये भी एक्टर बन जाएंगी एकदम से, इसमें आके वीडियो में, फिल्म मूवी में आके एक्ट्रेस। नया कैफे खुल गया देखो, रुद्रा कैफे। अब धीरे धीरे यहाँ सब कैफे बन जाएंगे। सब
अंग्रेज वैसे डॉगीज को लेके घूम रहे हैं। ये रहे हमारे रॉकी जैकी है भाई, क्या बात है। वो कोई पिटबुल को लेके आ रहा है, कोई किसी को लेके आ रहा है। ये खड़े देखो ये लग रहा है वो शादी का सेट ही लगाया होगा, खाने पीने का जो बा वैसे लाइट नहीं है या किसी और का है पता नहीं। इधर चिताएं चल रही है, वहाँ फिल्म की शूटिंग हो रही है। ये गंगा जी के तट पे ही हो सकता है सब, और यहाँ चिताएं जल रही है। नहीं तो कहाँ बैठते हैं लोग, कहाँ होता है ऐसा कुछ, दूर दूर रहते हैं। दिल्ली शहरों जैसे में शमशान से दूर रह जाता है, ऐसा यहीं पे पॉसिबल है। ये सब जितनी चकाचौंध है वो भ्रम है, और जो इधर है वो सच है, जीवन की सच्चाई वही है। हम भ्रम में जीते रहते हैं मन के अधीन होके। याने भी थोड़ी देर में बोला कि आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, मैंने उसको वो भी डांट दिया, मना कर दिया। मुझे बहुत बहलाने फुसलाने का प्रयास किया जा रहा था। ओहो, आज तो हनुमान जी को चोला चढ़ा दिया है किसी ने, नहीं तो हनुमान जी को कितने महीनों से, मतलब सर्दी में को बहुत टाइम हो गया था चोला नहीं चढ़ाया गया था। आज देखिए हनुमान जी को चोला पहना दिया गया, इतना अच्छा लग रहा है। ये तो ऐसे हो गए थे, असल में स्त्रियाँ चढ़ा नहीं सकती हैं, पुरुष कोई आ नहीं रहे थे, क्या करें हम, हमारी मजबूरी है। हम तो अपनी पुरानी जगह पे आके बैठ गए। देखिए इधर चिताएं, उधर शादी का वो पूरे चकाचौंध सारी, और इधर कितने सुंदर चंद्र देव। ओहो हाँ, कितने प्यारे लग रहे हैं देखो। और फाइनली मुझे बहुत भड़काने का प्रयास किया गया था रेनू के द्वारा मोमोज के चक्कर में, कि ऐसे मोमोज होंगे, ऐसे धुआं निकल रहा है। एक बार तो आया था, पर फिर अपनी इंद्रियों पे और मन पे, सबसे पहले तो मन करता है सारे काम, बड़ा ही संयम और कंट्रोल रख धैर्य रख के मैंने मना कर दिया, और अब ऐसे ही होगा। डॉक्टर बोले चाहे ना बोले, मुझे अब मैदा खाना ऐसे जीवन में वो नहीं लग रहा, दो रोटी जो है वो खा लो, इतनी कोई बहुत ज़्यादा डाइट की जरूरत नहीं पड़ती है, ना कोई रागी का आटा खाओ ना बाजरे का खाओ। ठीक है वो सर्दियों में वैसे अच्छा रहता है जिसको गर्म तासीर है, पर अगर दो रोटी सुबह खा रहे हो, दो शाम को खा रहे हो, वो भी 5-6 बजे खा रहे हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आनंद ही आनंद है। और अपने बीच बीच में फ्रूट खाते रहो। डॉक्टर ने बोला फ्रूट्स नहीं खाने, फ्रूट खाना है एक तरीके का, अमरूद खाना है तो अमरूद खाना है, पपीता खाना है तो सिर्फ पपीता ही खाना है। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं और स्वयं का भी ध्यान रखें, जैसे मैंने आज रखा है। मतलब इतना ललचाया गया मुझे, उसके बाद दिया ने भी पूरा कलेश कर दिया, लेकिन मैंने फिर भी कंट्रोल रखा। हर हर गंगे हर हर महादेव नहीं लेके गई उसको, और यहीं कर दिया, और कल भी नहीं लेके जाऊँगी हर हर गंगे हर हर महादेव, पेड़ जरूर लगाएं।